मिस मस्टर जबीन जी अबाउट तहसील लीगल सर्विस कमेटी इट इज अ बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी टेल यू व्हाट इट इज एंड वेयर आर वी हियर द मेन पर्पस ऑफ दिस पीपल कैन हैव अ लीगल एड फ्री लीगल एड लाइक वी हैव वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जिनको वजह से वो रुक जाते हैं अपने हक को लड़ने के लिए तो जो तहसील लीगल सर्विस है सारे प्रोग्राम्स है वो आते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी दिल्ली से लेके हम आपके दरवाजों पे आते हैं इसलिए ताकि आपको आगाह करें कि ये जो जो ओल्ड पर्सन है माँ बाप है जिनके बच्चे उनको जो मतलब बच्चे ऐसे भी है कि वो अपने पेरेंट्स को निकाल देते हैं तो उनका जाए उनको कैसे लेंगे तब उनको पैसे नहीं होते या कुछ तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटीज मैडम मिस मस्टर जबीन जी उन पे शिफ्ट फेंका फिर ये टिट फॉर टैट चलता रहा और फिर स्टेट को एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजंस हमें विद इन द डोमेन इंसिडेंट से पहले कोई ना कोई रिलेशन थी कोई ना कोई आपस में वो तजाद था एसिड विक्टम्स का के रिलेटेड जो था हमारा ये प्रोग्राम था तो बेसिकली जो सबसे पहला रीज़न है ये जो ये हमारा आज का टॉपिक था इसका मेन जो फोकस था वो इस पे था कि जब भी हमारे पास जो एसिड विक्टम्स होते हैं उन पे जब एसिड का अटैक होता है तो उनके पास फिर क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं क्या रेमेडीज अवेलेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ तो उस सब चीज़ को लेके हमारे लीगल लॉयर्स जो भी यहाँ पे थे हमारे सीनियर पीओ जो थे उन्होंने हमें बड़ा ब्रीफली अंदर समझाया कि क्या क्या कवानीन है इन चीज़ों को लेके एसिड विक्टम्स को लेके क्या क्या कवानीन है हमारे पास और क्या रेमेडीज अवेलेबल है और क्या रूट कॉज क्या है इस सब ये हमारी सोसाइटी में क्यों प्रेवलेंट है व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दिस एसिड विक्टम एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एसिड विक्टम इस सब चीज़ को लेके आज का हमारा जो ये प्रोग्राम था ये हमने तहसील लीगल सर्विस कमेटी मागा में यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया था इन कोलैबोरेशन विद GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागा ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे इसलिए मुनक्कद कर दिया कि क्योंकि जो यहाँ पे है यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन में अवेयरनेस रखना ज़रूरी है कि इसके क्या कवानीन है और इसके क्या सज़ाएँ हैं आगे तो इसमें जो रिसेंटली हमारा लास्ट ईयर 2013 और 2013 में छानापोरा एसिड केस हुआ था जिसकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई उसमें 10 ईयर सज़ा हुई और कॉम्पनसेशन दिया गया विक्टिम को और दूसरा जो है नौशहरा एसिड केस जो हुआ था रिसेंटली उसकी विद इन 7 मंथ्स ट्रायल चली ये जो विक्टिम्स हैं इनको सज़ा मिल सके और फाइनली इनको सज़ा मिल जाती है